वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन सी सही होगा। तो अनुभवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई को उत्कृष्ट राजनैतिक रिपोर्टिंग हेतु 2019 प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये वार्षिक पुरस्कार अनुभवी पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में स्थापित किया गया था जो अपनी राजनीतिक रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते थे। पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग हेतु 2019 का जो पुरस्कार है डाउन टू अर्थ, वो ईशान कुकरेती और स्वतंत्र पत्रकार सादरा बाला सुब्रमण्यन को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्रेम भाटिया पुरस्कार की, तो वो मिला है राजदीप सरदेसाई को, राइट। तो ये आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में चैतन्य महाप्रभु पर पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? यहाँ पर चैतन्य, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु पर जो पहला संग्रहालय खोला गया वो कोलकाता में खोला गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 16वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित दुनिया के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। और जो संग्रहालय है इसका निर्माण गौड़ीय मिशन द्वारा किया गया है, ठीक है। और संग्रहालय का जो निर्माण किया गया है वो गौड़ीय मिशन 1935 में स्थापित एक आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है जो चैतन्य एवं वैष्णव विश्वास की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। तो आप ध्यान रखेंगे चैतन्य महाप्रभु पर पहला जो संग्रहालय खोला गया वो खोला गया है कोलकाता में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य में विलेज वॉलंटियर सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 15 अगस्त 2019 को सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम विलेज वॉलंटियर सिस्टम को लॉन्च किया है और शासन की सेवाओं को घर तक प्रदान करने के लिए इस उद्देश्य से इस योजना में 2.8 लाख से अधिक स्वयंसेवक शामिल होंगे और योजना के तहत प्रत्येक गांव में एक स्वयंसेवक 50 परिवारों को कवर करेगा और प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रति माह 5,000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा। तो ये जो वॉलंटियर सिस्टम लॉन्च किया गया है विलेज वॉलंटियर सिस्टम, ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी सही होगा। तो ओडिशा ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान प्रणाली शुरू की है और NIC भुवनेश्वर द्वारा विकसित प्रणाली किसानों को मिनटों के भीतर भुगतान करने और किराए की रसीद प्राप्त करने में सक्षम रहेगी। और ओडिशा सरकार की 5T मंत्र के तहत राज्य की राजस्व विभाग द्वारा लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी तरह की एक पहल है, ठीक है। तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, किस शहर की हज़रतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर लखनऊ के हज़रतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने बताया है कि वाजपेयी का स्मारक अटल स्मृति उपवन बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसमें वाजपेयी की प्रतिमा, उनकी 51 कविताएँ, भाषण और अन्य स्मृति चिन्ह शामिल होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा लखनऊ के अटल चौक, लखनऊ का जो हज़रतगंज चौराहा था उसका नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंक समूह ANZ ने भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2%, ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह ANZ ने अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि के पिछले 6.5% की पूर्वानुमान को घटाकर 6.2% कर दिया है। जनवरी से लेकर मार्च 2019 में भारत की तिमाही GDP वृद्धि 5 वर्षों के निचले स्तर 5.8% पर आ गई थी और ANZ यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह ने मार्च 2021 के अपने पूर्वानुमान को भी 7.1% से घटाकर 6.5 कर दिया है। राइट, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने कमर्शियल उपयोग CCTV के लिए स्मार्ट ड्रैगन फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी सही होगा। तो चीनी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी ने कमर्शियल उपयोग के लिए 17 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। स्मार्ट ड्रैगन फर्स्ट रॉकेट का वजन 23 टन है और इसे चीन एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की एक इकाई द्वारा विकसित किया गया है। ये चीन को उन कमर्शियल उपग्रहों की सूची में शामिल करता है जो कोयला लदान पर नज़र रखने हेतु विमान के लिए उच्च गति के इंटरनेट से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सेकेंड नाइट उपन्यास लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा के द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा का तीसरा उपन्यास सेकेंड नाइट 16 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों और डूरंड रेखा का रेखांकन करने के लिए इन दो पुस्तकों में उल्लेख किया है और वो इटली और रोमानिया में भारत की राजदूत भी रहे हैं। रूपा पर प्रकाशित सेकेंड नाइट एक महिला के भागने और एक आदमी के दृढ़ संकल्प की कहानी है जिसे उसे खोजने में कसम खाई है। ये दोस्ती प्यार और खोने की एक कहानी है जो कि सेकेंड नाइट नाम से जानी जाती है और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 430.57 बिलियन डॉलर, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 430.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अब तक के उच्चतम मूल्यांकन पर पहुँच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी संपत्तियों में वृद्धि के कारण सप्ताह में 9 अगस्त तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.620 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है और डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा संपत्तियों में भंडार में रखी गई यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी इकाइयों की सराहना मूल्यह्रास पर प्रभाव भी शामिल इसमें किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, RBI के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। तो मैं आपको बता दूं कि RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और RBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश की उपन्यासकार रिजिया रहमान का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रसिद्ध बांग्लादेशी उपन्यासकार रिजिया रहमान का निधन हो गया है। उन्हें 1978 में बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में उन्हें एकुश्री पदक से सम्मानित किया गया था। बोंग थेकी बांग्ला, रोकर आक्सीर और भर खंग ये उनकी कुछ प्रमुख उपन्यासों की कृतियाँ हैं। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में डॉक्टर विक्रम साराभाई की किस क्रम की जयंती मनाई गई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें जो राइट आंसर है 100वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है, विंग कमांडर अभिनंदन को किस चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर सभी PDF एक साथ पा सकते हैं। और UPTET 2019 के लिए या फिर CTET के लिए
आपके लिए इन्वायरमेंट स्टडी की वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी नोट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।